तो पीछे पीछे आप कर करो, आपको मना थोड़ा कर रहे हैं। एक मिनट चलो हमारा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए 26 दिन हो रहे हैं, आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन की अगुवाई है हमारे दो साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति हैं, सुभाष कपूर और जगदीश सानी जी, उनके अंतर्गत आंदोलन चल रहा है। तो थोड़े दिन के पहले वो सरकार ने फैसला भी कर दिया कि 6 दिन ऐसे जी नौशहरे में बैठेगा, 6 दिन बैठेगा सुंदरबनी में। अभी जो हमारा मसला है सिर्फ कि डीसी का ऑफिस कहाँ बनना चाहिए, नौशहरे पे बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पीडीपी वाले उनको स्टेज पे चढ़ा देते हैं और हम मना करते हैं, भैया आप सरकार के खिलाफ बोलो, आप मंत्रियों के खिलाफ बोलो, आप हाय हाय करो, जो मर्जी करो। बड़े 5-10 दिन से अब इतने तंग होता है जी भैया, बार बार हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं यार लोगों को समझाओ, आज तो लोगों ने बिल्कुल हद ही कर दी। और फिर मजबूरन जाके मैंने उस लड़के को पूछा यार आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, तो बस उन्होंने 25 लोग उठ के उन्होंने अटैक कर दिया। इस वक्त मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, राजनीतिक टिप्पणी करने का वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जिन्होंने भी किया है वो समाज के और देश के दुश्मन हैं, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके कानून अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि आज जो नौशहरा है हमारा, वहाँ पे कुछ हमारे कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए आपस में, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या वहाँ के MLA के खिलाफ नारे लगा रहे थे कुछ लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट किया उसके ऊपर, और आपस में जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला कर दिया गया, ये बड़ा ही गलत आज एक प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी है वहाँ पे। और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से एजिटेशन चल रही है, सरकार ने कुछ दिया है उनको, आगे भी जो लोग चाहते हैं किसी प्रकार से इसका हल निकाला जाए।